खबर नई दिल्ली से, जहां पर महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बगावत से परेशान और बयानों से फजीहत होने के बीच डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाल लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से रविवार को जारी किए गए संकल्प पत्र पर भी पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे संकल्प पत्र की बजाय झूठा पत्र बताया और कहा कि पहले भाजपा पिछले संकल्पों को जमीन पर उतार दें, फिर नया संकल्प पत्र लेकर। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं से बयानबाजी करने की बजाय भाजपा की कमियों को जनता के सामने ले जाने की नसीहत भी दी। चारों तरफ हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं मंदी, स्लो डाउन। सरकार के प्रयास जो हैं, वो मंदी से लड़ने के कम, मंदी पर चर्चा कैसे न हो, मंदी के बारे में कोई बातचीत भी न हो, उस पर ज्यादा दिखते हैं। अब यह चर्चा हो रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, विनिवेश करेंगे। बजट में हमने देखा कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें पब्लिक जो शेयर है वो 25-35% कर दिया गया था। एक शुरुआत उन्होंने वहां की। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, जिसकी आड़ में छिपकर जो मुनाफा में चल रही कंपनियां हैं सार्वजनिक उपक्रम की, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज इन द पब्लिक सेक्टर, उनको तबाह करने की एक साजिश रची जा रही है। बजट में यह आकलन था कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जीएसटी का कलेक्शन 7.44 लाख करोड़ होगा, लगभग 7.5 लाख करोड़ का आकलन था। अब वो घटा के 6.44 लाख करोड़ कर दिया गया। अब कितना होगा वो बाद में देखेंगे। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पड़ाव पर आकर खड़ी है।